हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। तो आज बेटा हम बात करेंगे क्लास 12th की जो बायोलॉजी है, सेवेंथ यूनिट स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स के अंदर भी हमारा चैप्टर है आज का, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर में हम बात करेंगे किसके बारे में, सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे कि जो इनहेरिटेंस है, यानी कि जो आपने जो पढ़ा है छोटे क्लासेस में, 10th क्लासेस में पढ़ा होगा आपने कि ट्रांसफर करेक्टर्स होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। और वेरिएशन, वेरिएशन है क्या चीज, बेसिकली जो डिफरेंसेस होते हैं पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में, ठीक है, डिफरेंसेस जिसके बेस हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग करेक्टर्स को, वो कहलाती है वेरिएशन। इनके सिद्धांत क्या है, इनको इन सिद्धांतों को देने वाले कौन है, प्रिंसिपल देने वाले कौन है, कैसे उन्हें डिस्कवरी हुई थी, ठीक है, इन तमाम बातों के बारे में हम चैप्टर में बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस लेक्चर के अंदर। बेसिकली इंट्रोडक्शन की बात करें, मैंने नाम लिया था जेनेटिक्स, स्टार्टिंग में चैप्टर का नाम लिया जेनेटिक्स। जो यूनिट है हमारी, जो जो चैप्टर थे हमारे, इसके अंदर पहला हमारा यही है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन, दूसरा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो बेसिकली जेनेटिक्स है क्या चीज, जो नाम मैंने आपको बताया कि जेनेटिक्स है क्या चीज, जेनेटिक्स बायो का वो सब्जेक्ट है जो डील करता है किसकी स्टडी के लिए, इनहेरिटेंस, डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस और साथ ही साथ वेरिएशन को जो स्टडी करता है, ठीक है, ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उनके अंदर वेरिएशन कैसे आती है और ये इनहेरिटेंस, ये ट्रांसफर होता है करेक्टर्स का, ये कैसे होता है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं किसके अंदर बेटा, जेनेटिक्स के अंदर, ठीक है। अब इनहेरिटेंस बेसिकली है क्या, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, इनहेरिटेंस क्या है, द प्रोसेस बाय विच करेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोगेनी, ठीक है, कि पेरेंट्स से उनके आने वाली जनरेशन में जो कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर होते हैं, जो पास होते हैं, उसे ही कहते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। ये जो प्रोसेस है इनहेरिटेंस का, ठीक है, अनुवांशिकता का जो प्रोसेस है, ट्रांसफर का जो प्रोसेस है कैरेक्टर्स का, यही क्या बनता है, बेसिस बनता है किसका, हेरिडिटी का। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। अब वेरिएशन के बारे में मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि वेरिएशन है क्या एक्चुअली, वेरिएशन द डिग्री बाय विच प्रोगेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट, यानी जो ऑफस्प्रिंग है वो तो किस प्रकार से भिन्न है अपने पेरेंट से, किन कैरेक्टर्स में भिन्न है अपने पेरेंट से, उसे ही हम कहते हैं वेरिएशन, ठीक है। तो बात करें जो ह्यूमंस हैं, अगर हम इंसानों की बात करें, इनको पता है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही पता था, लगभग 8000 से 1000 BC, इतने साल पहले से ही, इनको सदियों से पहले पता था कि जो वेरिएशन का जो कारण है, वेरिएशन का जो कारण है वो छुपा हुआ है किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। मगर उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, साइंटिफिक नॉलेज नहीं थी कि ये वेरिएशन आके कैसे हो, कैसे रही है, क्या कारण है इसका। सिर्फ उन्हें ये जानकारी थी कि अगर सेक्सुअल प्रोडक्शन जो होती है इनके द्वारा क्या होती है, बदलाव हमें देखने को मिलते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, कैसे होते हैं ये उनको, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी, ठीक है। उन्होंने इसी जानकारी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, किनके ऊपर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो वाइल्ड पॉपुलेशन थी किसकी, प्लांट और एनिमल्स की, उनके ऊपर अप्लाई किया, यूज किया, और दे सेलेक्टिवली ब्रीड, ठीक है, वो सेलेक्टिवली उन्होंने ब्रीड किया एंड सेलेक्ट द ऑर्गेनिज्म दैट पोजेस्ड डिजायरेबल कैरेक्टर्स, ठीक है, अपने इच्छा के अनुसार कि हमें ये चीज चाहिए इस वाले जानवर में, या इस वाले गाय की बात करें, इस वाले गाय में या इस भैंस में ये क्वालिटी है, और इस वाले जो दूसरी जो मेल बुल है उसके अंदर क्या है, ये क्वालिटी है। तो उन्होंने क्या किया, उनको आपस में क्रॉस करा देते थे, जिससे कि आने वाली जनरेशन थी उनको उनके अकॉर्डिंग डिजायर्ड करेक्टर्स उनको मिल जाते, ठीक है। तो ये इस प्रकार से वो क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, यूज करते थे
वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स को, ताकि वो डिजायरेबल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट वो लेना चाहते हैं, ऑफस्प्रिंग जो लेना चाहते हैं वो उनको मिल सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज, वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड जैसे कि साहीवाल काउ है, ठीक है, पंजाब में देखने को मिलती है। ठीक है, तो साहीवाल काउ है ये भी इसी प्रकार के आर्टिफिशियल सिलेक्शन का और डोमेस्टिकेशन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा वाइल्ड कैबेज। ठीक है, वाइल्ड कैबेज से क्या है, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कैबेज आर डेवलप, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ कैबेज को हमने डेवलप किया था। ठीक है, वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एक प्रोसेस था, क्योंकि अपने हिसाब से नई वैरायटी को डेवलप किया, इसके द्वारा थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड क्रॉसिंग ऑफ टू डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये तो था हमारे इंट्रोडक्शन के बारे में। बेसिकली टर्म जेनेटिक्स थी हमारी, उनको देने वाले कौन थे बेटा, विलियम बेटेसन थे जो कि एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट थे, और जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, विलियम बेटेसन वाज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो ये इन्होंने जो पेपर थे, रिसर्च पेपर थे मेंडल के, उनको ट्रांसलेट किया था, और ट्रांसलेट करने के बाद जैसे कि इसमें था फॉर एग्जांपल, मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस ए डिफेंस के नाम से इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था 1902 में, और 1905 और 6 में उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया, किसको, जेनेटिक्स को। ठीक है, नई ब्रांच होगी हमारे साइंस की, किसकी, बायोलॉजी की, जेनेटिक्स में देने वाले कौन थे, विलियम बेटेसन। ठीक है भाई, अब जेनेटिक्स है क्या, जेनेटिक्स की बात करें, इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट ली डील्स विद द कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिटेड वेरिएशन, अनुवांशिकता और जो बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, इसकी स्टडी करती है, करने की वाली जो ब्रांच है बायोलॉजी की, उसे ही हम कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है भाई, अब इसमें एक वर्ड और आया था हमारा, हेरिडिटी। ये हेरिडिटी है क्या, बेसिकली हेरिडिटी जो है ये है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट ऑफस्प्रिंग। जो कैरेक्टर्स के बारे में हमने बात करी थी कि इनहेरिटेंस है क्या, इनहेरिटेंस क्या है, ये प्रोसेस बाय विच ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स टेक्स प्लेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, उसे ही कहते हैं हेरिडिटी। और वेरिएशन की हम बात करें, पहली ब्रांच को वेरिएशन क्या है, वेरिएशन जो एक स्पीसीज के अंदर जो इंडिविजुअल होते हैं उनके अंदर जो डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं उन्हें ही कहते हैं वेरिएशन। क्या कहते हैं बेटा, वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे भी बेटा कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे जिस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा कौन सा फैक्टर है, ठीक है, फैक्टर बेसिकली क्या है, फैक्टर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, बेसिक यूनिट है जिसके द्वारा, किसकी, हेरिडिटी की। ठीक है, जिसके द्वारा, जिसकी मदद के द्वारा क्या होते हैं, करेक्टर्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और इस टर्म को यूज करने वाले कौन थे बेटा, सबसे पहले जो मेंडल थे उन्होंने इसको यूज किया था टर्म फैक्टर। ठीक है, इन फैक्टर्स को जीन्स की उपाधि दी गई, किस तरह, जोनेसन द्वारा 1909 में। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि किसने क्या दिया, विलियम बेटरसन ने क्या दिया था, किस टर्म को, जेनेटिक्स को दिया था। ठीक है, जोनेसन द्वारा फैक्टर्स को क्या कहा गया, जीन्स कहा गया, कहा गया 1909 में कहा गया। मेंडल जो थे इनको एलिमेंट के नाम से जानते थे फॉर फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर जो किसका कहते हैं, एलिमेंट को यूज करते थे टू डिस्क्राइब द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। मॉर्गन की बात करें, ये जो मॉर्गन थे इन्होंने सबसे पहले सिंबल, सिंबॉलिक फॉर्म यूज की थी, किसके, किसके लिए, फैक्टर्स के लिए। ठीक है, फैक्टर्स के लिए सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म यूज करने वाले कौन थे, मॉर्गन थे। तो डोमिनेंट फैक्टर्स होते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ 10th क्लास में, टी कैपिटल टी यूज फॉर द टॉलनेस एंड स्मॉलर टी इज यूज फॉर द रिसेसिव ट्रेट। तो
मॉर्गन थे सबसे पहले सिंबल यूज करने वाले, किसके लिए? फैक्टर्स के लिए। और डोमिनेंट के लिए हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं, और स्मॉल लेटर जब किसके लिए यूज करते हैं, रिसेसिव फैक्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड जो पॉइंट हमारा, प्योर लाइन। प्योर लाइन क्या होती है? प्योर लाइन इज अ प्लांट और एनिमल दैट इज जेनेटिकली प्योर फॉर अ पर्टिकुलर करेक्टर एंड विल गिव राइज टू सेम करेक्टर आफ्टर सेल्फ फर्टिलाइजेशन और इंटरब्रीडिंग। ठीक है, समझ में आ गई बात? प्योर लाइन का मतलब, कहने का मतलब क्या है? एक ऐसा प्लांट और एनिमल जिसके अंदर जो फैक्टर्स हैं वो दोनों फैक्टर्स क्या हैं? सेम हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि मेंडल ने टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट के बीच में क्या करवाया था बेटा? क्रॉस करवाया था। अब ये जो एलील्स हैं, ठीक है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन, तो उस टॉल प्लांट के अंदर हाइट के जीन के जो दो एलील थे वो क्या थे? हमारे दो कैपिटल टी थे। अगर किसी इंडिविजुअल में सेम टाइप ऑफ एलील्स आर प्रेजेंट, सेम टाइप ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट, दे आर कॉल्ड प्योर लाइन। इन्हें हम क्या कहते हैं? प्योर लाइन कहते हैं। ठीक है, ये आपका रिसेस प्योर रिसेसिव है, प्योर लाइन। ये आपका क्या है? प्योर डोमिनेंट है टॉलनेस के लिए, ये होमोजाइगस है, ये भी हमारा होमोजाइगस है। ठीक है, ये कहलाते हैं आपके प्योर लाइन प्लांट। जो किसी करेक्टर के लिए, अगर इनको आपस में अगर इंटरब्रीड करें, अगर हम कैपिटल टी को और कैपिटल टी को और अगर आपस में क्रॉस करवाते हैं तो रिजल्ट ऑफस्प्रिंग हमारा जो मिलेगा वो हमारा मिलेगा कैपिटल टी और कैपिटल टी, टॉल इमिली। यानी कि ये अपने करेक्टर को रिटेन कर पा रहे हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इस प्रकार के जो प्लांट और एनिमल होते हैं उन्हें कहते हैं हम प्योर लाइन। क्या कहते हैं बेटा? हम प्योर लाइन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा? ये है प्योर लाइन। नेक्स्ट हमारा था एलील। एलील क्या होते हैं? दे आर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। जैसे कि मैंने आपको बताया कैपिटल टी और कैपिटल टी, ठीक है, टॉलनस का एक जीन है जो प्रेजेंट है क्रोमोजोम के ऊपर। ठीक है, इसके दो अल्टरनेट फॉर्म होती हैं प्रेजेंट ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम ऑन द सेम लोकस ऑन द सेम लोकाई, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एलील्स। ठीक है, ये जो डिनोट हमने किया कैपिटल टी और कैपिटल टी, हमने क्या ही दिया था? एलील्स ऑफ ए जीन। कौन से जीन का है बेटा? टॉलनेस वाले जीन का। ठीक है, ये कहलाते हैं एलील। वैसे ही हमारे रिसेसिव के लिए हमारा स्मॉल टी हो गया, ये कहलाता है आपके एलील्स। ठीक है, और इस टर्म को देने वाले कौन थे? ये भी थे विलियम बैटिसनी थे, जिन्होंने क्या टर्म को दिया था बेटा? टर्म एलील दी थी। ठीक है, और जेनेटिक्स को देने वाले भी कौन थे बेटा? बैटिसनी थे। ठीक है, याद रखना। जीन को देने वाले कौन थे? जोनासन थे। ठीक है, विलहेल्म जोनासन, जिन्होंने जीन टर्म को कॉइन किया था। अब यहां देख सकते हो बेटा एलील की बात हो रही थी हमारी। यहां देखोगे आप, यहां पर भी कैपिटल टी है और यहां पर भी कैपिटल टी है। दो होमोलोगस क्रोमोजोम है यहाँ पर, और यहाँ पर दो होमोलोगस क्रोमोजोम के सेम लोकस के ऊपर आपको दो कैपिटल टी नजर आ रहे हैं। दे आर द एलील्स। इन्हें क्या कहते हैं? एलील्स कहते हैं। अगेन सेकेंड में देखोगे आप, यहाँ पर कैपिटल टी है और दूसरे पे क्या? स्मॉल टी है। ठीक है, बेसिकली दे आर द एलील्स फॉर द हाइट, जो हाइट को कंट्रोल करते हैं। जीन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म है ये कैपिटल टी टॉलनस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्मॉल टी किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? डार्कनेस के लिए। ठीक है, वैसे आप देख पा रहे हो तो लास्ट वाले फिगर के अंदर यहाँ पर भी क्या देखो, दो कैपिटल टी सॉरी दो स्मॉल टी आपको नजर आ रहे होंगे जो कि रिसेसिव हैं, जो डार्कनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और सेम लोकस के ऊपर है। ठीक है, सेम लोकस के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है होमोजाइगस। होमो मतलब सेम, मतलब क्या है? सेम ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल जो इसके अंदर जायगोट का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके फ्यूजन के द्वारा होता है? टू गैमेट्स के फ्यूजन के द्वारा होता है, और दोनों दोनों कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे। जिनके पास क्या होंगे? आइडेंटिकल फैक्टर्स होंगे, ठीक है, आइडेंटिकल जेन्स होंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? होमोजाइगस कहते हैं। ठीक है, कॉल्ड होमोजाइगस एंड ऑर्गेनिज्म डिवलॉर्ड फ्रॉम दिस जाइगोट इज कॉल्ड होमोजाइगस। ठीक है, ये जाइगोट हमारा क्या कहलाया? होमोजाइगोट कहलाया।
और ऐसे ऑर्गन क्या कहलाते हैं, होमोजाइगस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख पाओगे दो, एक में डबल टी है कैपिटल टी, फिर हमारे कैपिटल आर है, फिर हमारे क्या कैपिटल और स्मॉल टी हमारे हैं, दे आर होमोजाइगस। सेम टाइप ऑफ फैक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन इन ईच ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऐसी कंडीशन कहलाती है आपकी होमोजाइगस कंडीशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं होमोजाइगस, ऐसा जो जाइगोट है, ऐसा जो आइडेंटिकल जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें कहते हैं होमोजाइगस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में हेटरोजाइगस के बारे में। हेटरो मतलब डिफरेंट, अगेन जाइगस यानी कि ऐसे गैमेट्स जिनके पास दो अलग अलग फैक्टर हैं एक ही ट्रेट के, एक ही करेक्टर के, इनका जो फ्यूजन होता है, इनके फ्यूजन के द्वारा जो जाइगोट बनता है वो कहलाता है हेटरोजाइगोट, और जो इंडिविजुअल है वो क्या कहलाता है, हेटरोजाइगस कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, यहाँ पे कैपिटल आर और एक हमारा स्मॉल आर है, तो हेटरोजाइगस है, ये कैपिटल आर है और ये हमारा क्या है, स्मॉल आर है। तो एक ही फैक्टर के, एक ही करेक्टर की बात करें, हाइट की बात करें, एक हमारे पास क्या डोमिनेंट है, एक हमारा कौन सा है, रिसेसिव है। तो दो अलग अलग फैक्टर यहाँ पर प्रेजेंट, एलील्स प्रेजेंट है, एक हमारा डोमिनेंट है, हमारा रिसेसिव है, ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, हेटरोजाइगस कंडीशन, ठीक है। होमोजाइगस कंडीशन और हेटरोजाइगस की टर्म देने वाले भी कौन थे, तो वो भी थे हमारे बेटेसन थे। कौन थे हमारे, बेटेसन थे। तो होमोजाइगस टर्म देने वाले, हेटरोजाइगस टर्म देने वाले बेटेसन थे, ठीक है। अगर हम बात करें जेनेटिक्स को देने वाले कौन थे, वो बेटेसन थे। एलील को देने वाले कौन थे, बेटा वो भी क्या थे, बेटेसन ही थे, विलियम बेटेसन। अब आती है हेमीजाइगस। हेमी मतलब हाफ हो गया ना, यहाँ पर हेमीजाइगस। इफ इंडिविजुअल कंटेन्स ओनली वन जीन, अगर एक ही जीन ऑफ ए पेयर, देन इंडिविजुअल इज सेड टू बी हेमीजाइगस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेल इंडिविजुअल इज ऑलवेज हेमीजाइगस फॉर सेक्स लिंक्ड जीन। जो सेक्स लिंक्ड जीन होता है, जैसे कि एक्स वाई की बात हम करते हैं, ठीक है, कि जो वाई के ऊपर जो जीन प्रेजेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मेल आइडेंटिटी, वो सिर्फ मेल्स के पास होता है और दूसरे जो क्रोमोजोम होते हैं हमारे एक्स वाला उसके पास ये नहीं होता है। ऐसी कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, हेमीजाइगस। क्या कहलाती है, हेमीजाइगस कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फिनोटाइप। फिनोटाइप की बात करें, फिनोटाइप क्या है, ऑब्जर्वेबल देखने में कैसा है, ये बाहरी रूप रेखा जो हमें देखने को मिलती है किसी प्लांट की, एनिमल की, उसे ही कहते हैं फिनोटाइप, ठीक है। इट इज द एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ अ पर्टिकुलर करेक्टर। किसी करेक्टर के लिए उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसकी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस कैसी है, बाहरी तौर से कैसा दिखता है, वो कहलाते हैं उसका फिनोटाइप। जिसके हम दूर से देख सकते हैं, बाहर से देख के बता सकते हैं कि गोरा है, काला है, तो लंबी हाइट है, छोटी हाइट है, ठीक है, बालों का कलर कैसा है, ये आपको क्या कहलाते हैं, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस कहलाते हैं। और इन्हीं करेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट जीनोटाइप। जीनोटाइप हमारे क्या होता है, जो जेनेटिक मेकअप होता है, ठीक, जेनेटिक मेकअप होता है किसका, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी पर्टिकुलर करेक्टर का, उसे ही कहते हैं हम जीनोटाइप। इट इज अ जेनेटिक कंस्टिट्यूशन और जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पर्टिकुलर करेक्टर। पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, पर्टिकुलर करेक्टर के लिए जेनेटिक मेकअप जो हमें देखने को मिलता है, जो पता हमें चलता है, उसे कहते हैं जीनोटाइप। जैसे कि हमने देखा था टी और टी, ठीक है, ये हमें बता रहा है टी और टी, ये जेनेटिक मेकअप के बारे में बता रहा है कि टॉलनेस के कौन कौन से जीन्स के पास प्रेजेंट है, दोनों डोमिनेंट है या एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, हमें जानकारी दे पा रहा है, ये कहलाते हैं जीनोटाइप, ठीक है, ये कहलाता है जीनोटाइप, जो जीन्स के बारे में जानकारी प्रदान करे, ठीक है। जीनोटाइप एंड जो फिनोटाइप होते हैं, ये टर्म देने वाले कौन थे, जोनासन थे। टर्म जीन देने वाले कौन थे, वो जोनासन थे, और जीनोटाइप और फिनोटाइप टर्म देने वाले कौन थे, बेटा वो भी हमारे जोनासन थे। एक होती है हमारी फिनोकॉपी। फिनोकॉपी का मतलब क्या है, अगर डिफरेंट जीनोटाइप्स, ऐसे जीव जिनके जीनोटाइप के डिफरेंट हैं, इनको अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रखा जाए और उसके बावजूद ये क्या करें, सेम प्रकार का फिनोटाइप हमें देखने को मिले इनके अंदर, तो इस प्रकार के जीनोटाइप्स होते हैं, इन्हें कहते हैं फिनोकॉपी ऑफ ईच अदर। क्या कहते हैं, फिनोकॉपी ऑफ ईच अदर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बैक क्रॉस। क्या होता है बैक क्रॉस का मतलब है कि ए बैक क्रॉस इज ए क्रॉस इन विच, जिसमें F1 इंडिविजुअल को हम क्रॉस करवाते हैं विद एनी ऑफ देयर पेरेंट, ठीक है। जैसे कि टी है, क्रॉस कराया हमने टी टी के साथ, तो
तो पहली जो आपकी जनरेशन आएगी, आपको उसमें टी और टी मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, आपको हेटरोजाइगस कंडीशन मिलेगी F1 जनरेशन की। और यहाँ से F1 क्या है, F का मतलब है फिलियल, F का मतलब क्या है यहाँ पर है बेटा, फिलियल जनरेशन है, ठीक है, फिलियल फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F मतलब फिलियल। तो यहाँ से जो F1 जनरेशन थी TT, इस जनरेशन को अगर हम क्रॉस करवाते हैं F1 को आइदर ऑफ द पेरेंट, चाहे डोमिनेंट टॉल के साथ कराओ चाहे रिसेसिव साथ कराओ, तो ऐसा जो क्रॉस है हमारा वो कहलाता है आपका बैक क्रॉस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, बैक क्रॉस कहलाता है, ठीक है। व्हेन F1 इंडिविजुअली क्रॉस विद डोमिनेंट पेरेंट, विषम भी कंडीशन होगी हमारी, अगर हम डोमिनेंट पेरेंट के साथ अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो उसे कहते हैं आउट क्रॉस। क्या कहते हैं, आउट क्रॉस कहते हैं। इस क्रॉस के द्वारा जो जनरेशन हमें मिलेगी, उस जनरेशन हर एक जनरेशन के पास क्या मिलेगा, हमें डोमिनेंट करेक्टर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो नो एनालिसिस पॉसिबल इन F1 जनरेशन, हम ये नहीं बता सकते कि F1 जनरेशन में कि ट्रेट हमारे क्या है, अगर रिसेसिव ट्रेट के बारे में हमें जानकारी देखने को नहीं मिलती है आउट क्रॉस के अंदर। क्लियर बेटा, यहाँ तक जीन टाइप के बारे में बता नहीं सकते हम, बात समझ में आ रही है। अगर हम डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं उसे कहते हैं आउट क्रॉस, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन थी हमारी, इसको हमने क्रॉस करवाया सॉरी ठीक है, डोमिनेंट पेरेंट के साथ, ये जो क्रॉस कहलाएगा ये कहलाता है आपका आउट क्रॉस कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेस्ट क्रॉस है। अब टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, टेस्ट क्रॉस में F1 जो प्रोगेनी हमारे जो क्रॉस करवाते हैं रिसेसिव पेरेंट के साथ, ऐसा जो क्रॉस है वो कहलाता है टेस्ट क्रॉस। क्या कहलाता है, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। जैसे कि F1 जनरेशन हमारी ये थी, इसको हमने रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया, ये जो क्रॉस है हमारा ये क्या कहलाएगा बेटा, आपका कहलाएगा टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो टोटल जनरेशन हमें मिलती है टेस्ट क्रॉस के अंदर, उसमें 50% के पास डोमिनेंट करेक्टर होता है और 50 के पास क्या होता है, रिसेसिव करेक्टर हमें देखने को मिलता है। और इस प्रकार का जो टेस्ट क्रॉस होता है उसे कहते हैं मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, ठीक है। एक टर्म हमारे यहां से आ गई, वो कौन सी आ गई हमारी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सिंपल क्रॉस के बाद क्रॉस है क्या, एक्चुअली क्रॉस क्या है, दो इंडिविजुअल के बीच में अगर हम क्या कराते हैं, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, दो अलग अलग प्लांट या एनिमल के बीच में, दो प्लांट्स के बीच या दो एनिमल्स के बीच क्रॉस करवाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर करेक्टर, तो वो कहलाता है क्रॉस, ठीक है। अब मोनो हाइब्रिड, मोनो मतलब वन, ठीक है, मतलब ऐसा क्रॉस जिसमें सिर्फ एक ही ट्रेट को हम लेकर चलते हैं वो कहलाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और यहां पर हम बात करें किसके बारे में, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की बात करें तो मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के अंदर जो प्रोगेनी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है, फ्रॉम द मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इन इक्वल प्रोपोर्शन, जो प्रोगेनी हमें देखने को मिलती है इसमें क्या है, जो भी जितने प्रोगेनी है उसके अंदर हमें इक्वल प्रोपोर्शन देखने को मिलते हैं। जैसे कि मतलब क्या हुआ, 50% डोमिनेंट फिनोटाइप हमें देखने को मिलेंगे, 50% हमें क्या देखने को मिलेंगे, रिसेसिव फिनोटाइप हमें देखने को मिलेंगे, जिनको हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस प्रकार से, जैसे देख रहे आपको यहाँ पर बेटा, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो कि F1 प्रोगेनी है, ये रिसेसिव पेरेंट है। जब हम क्रॉस कराएंगे तो यहां से हमारे एक ही प्रकार के गैमेट बनेंगे, ठीक है, यहाँ पर दो बनेंगे क्योंकि हमारा ये हेटरोजाइगस हो गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब क्रॉस करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 50% के पास हमें दिख रहा है, अगर दो हमें मिले, दो इंडिविजुअल हमें मिले, तो यहाँ पर क्या मिला, 50% के पास क्या था, डोमिनेंट ट्रेट था, और 50% के पास क्या था, स्मॉल आपका रिसेसिव ट्रेट था। तो जो मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की जो रेशियो होती है हमारी 1:1 होती है, कितनी होती है, 1:1 होती है। तो ये बात नोट डाउन करने वाली है, ठीक है, कि मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के अंदर रेशियो कितनी हमें निकल कर आती है, हमारी 1:1 आती है, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई यहां से। तो हम बात करें किसके बारे में, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के बारे में बात करेंगे। डाई हाइब्रिड मतलब ऐसा क्रॉस जिसमें हम दो करेक्टर्स को लेकर चलते हैं, वो ट्रेड्स को लेकर चलते हैं, वो कहलाता है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, इसमें जो प्रोगेनी हमें मिलती है डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के बाद, ठीक है, तो फोर टाइप ऑफ हमें देखने को मिलती है, हर एक के पास क्या होता है, 25% ट्रेड्स हमें देखने को मिलती है, इसकी जो रेशियो हमारी आएगी 25% आएगी, ठीक
फॉर एग्जाम्पल अब देखो यहां पर कि F1 डाइहाइब्रिड हमारा कौन सा है, ये अगर टॉल एंड राउंड मान के चलते हैं इसको हम रिसेसिव के पास, क्या है दोनों ही ट्रेट हमारे क्या है रिसेसिव है, रिसेस पेरेंट है तो दोनों ट्रेट रिसेसिव है, तो इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे तो वैसी बात बड़ा रिसेसिव पेरेंट के पास सेम टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे। यहाँ पर दो प्रकार के गैमेट हमारे बन सकते हैं हमारे अलग, ठीक है। तो जब क्रॉस करवाया इनके बीच में है तो यहाँ पर एक दो तीन और चार, चार प्रकार के गैमेट हमारे यहाँ से बनेंगे। इनको जब हम क्रॉस करवाएंगे रिसेसिव पेरेंट के पास तो रेशियो हमारी आएगी डायहाइब्रिड के क्रॉस की हमारे की 1:1:1:1, ये रेशियो हमें देखने को मिले कि जितने भी हमारे फोर जो ऑफस्प्रिंग हमें देखने को मिले सबका जो जेनेटिक मेकअप क्या होगा सबका अलग अलग होगा और इनकी रेशियो हमारी क्या आएगी 1:1:1:1, ये हमारे रेशियो में देखने को मिलेगी इन द केस ऑफ डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, ठीक है बेटा। तो ये जो है आपको याद रखना है रेशियो को कि मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के रेशियो क्या आते हैं, डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की रेशियो क्या आती है। एक क्रॉस हमारा होता है रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है। व्हेन टू पेरेंट्स आर यूज्ड इन टू एक्सपेरिमेंट, ये दो पेरेंट्स को हमने यूज किया दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, जिसके अंदर हमने क्या देखा, देखो एक एक्सपेरिमेंट हमें क्या देखने को मिला, हमने क्या किया एक एक्सपेरिमेंट में जो ए है वो हमारा फीमेल पेरेंट है, बी हमारा क्या मेल पेरेंट है, मगर दूसरे एक्सपेरिमेंट में सेम अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसका ए क्या होगा वहां पर मेल होगा पेरेंट और बी हमारा क्या होगा फीमेल पेरेंट होगा। तो ऐसा जो क्रॉस होता है उसे कहते हैं हम रेसिप्रोकल क्रॉस, क्या कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं, ठीक है याद रहेगा बेटा। ये लास्ट हमारा कौन सा, यहाँ पर चेकर्ड बोर्ड मेथड होता है, ठीक है। यानी कि पुनेट स्क्वायर की बात कर रहा हूँ बेटा, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, पुनेट स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। तो देने वाले हमारे कौन थे, रेजिलेंट सी पुनेट, इन्होंने चेकर बोर्ड मेथड दिया था 1927 में, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं उनका जो जेनेटिक मेकअप है या कह सकते हैं मेथड जनरेशन टू एनालाइज द फॉर्म ऑफ सिंबल्स ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर के फॉर्म में हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे हमने किया, ठीक है। ये चेकर मेथड हमारा यहाँ पर टी और टी हम टी और टी हमने यहाँ दिखा दिया, किस प्रकार से जो हम क्रॉस करवाते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, ग्राफिकल मेथड जो हमारा क्रॉस कराने का स्क्वायर पुनर्स स्क्वायर, और ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसकी, डिफरेंट जीनोटाइप्स पॉसिबल डिफरेंट जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म चेकर बोर्ड मेथड, और या फिर हम कहते हैं पुनेट स्क्वायर। मेल गैमेट्स लाई हॉरिजॉन्टली एंड फीमेल गैमेट्स लाई वर्टिकली, ठीक है। ये जो आपका मेल गैमेट्स है इनको हॉरिजॉन्टली हम क्या करते हैं शो करते हैं उसके के अंदर, फीमेल गैमेट को वर्टिकली हम शो करते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो कॉलम वाले साइड में हम यहाँ दिखाएंगे फीमेल गैमेट और वाले साइड में दिखाएंगे बेटा मेल गैमेट स्क्वायर, ठीक है। ये हमें क्या करती है रिपेक्ट बोथ जीनोटाइप फिनोटाइप्स ऑफ द प्रोजेनी, तो चेक करो मतलब क्या है, जीनोटाइप के बारे में जानकारी प्रदान करता है और फिनोटाइप के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ये तो था हमारा कुछ बेसिक सी बातें इस चैप्टर की इंट्रोडक्टरी पार्ट में, तो बेसिक टर्म्स जो हमने जानने की कोशिश की इस चैप्टर के अंदर आगे पढ़ेंगे, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो ऐसे ही वीडियो के लिए, ज्यादा ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। आपसे विदा चाहते हैं मेरे दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए गुड डे।